सन दोस्तों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह किसान वीरां नूं इस गल दी इंतजार होएगा कि कल सरकार नाल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग दे विच की फैसले होए ने, की सरकार मंगा मन्नी है, उहदी जानकारी किसानां तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बारी प्रेस कॉन्फ्रेंसां दे विच वी गल्लां क्लीयर नहीं हुंदियां ते सरकार भी कई बारी गल्लां क्लीयर नहीं करदी। दोस्तों सब तो अहम मंग सी साडी किसानां दे कर्जे दी। सरकार ने साडे नाल कमिटमेंट कीता सी चोणां दे दौरान कि समुचा कर्जा माफ करांगे। साडा स्टैंड सीगा कि जो कर्जा दी तुसीं कमिटमेंट कीती है, जो तुहाडे चोण मनोरथ पत्र दे विच लिखिया है, उसे दे अनुसार ही किसानां दा कर्जा माफ कीता जाए। और उस तों उरे परे दी कोई गल करना उचित नहीं, कोई वाजब नहीं, वाजबियत बनदी भी नहीं। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। तो इस करके एदे तो एक बारी सरकार बिल्कुल पल्ला झाड़न वाली गल है, ते अगे सानू की तैयारी रहनी रखनी चाहिए है, क्योंकि गल मंग करदे, हालात मंग करदे है कि ए अंदोलन तो बगैर, लड़ाई लड़े तो बगैर ए मसला होया। एदे नाल ही साडे किसानां दे मुआवजे की गल है। सरकार ने यह कहता नरमे वाले किसानां नूं कि असीं 17,000 रुपया प्रति एकड़ देवांगे, पर दोस्तों उहदे च वी शर्त ला रखी है कि 5 ਏਕੜ तक दी मुआवजा ही मिलना है। जे किसी किसान की 10 ਏਕੜ फसल नुकसानी गई है तो उन्होंने केवल 5 ਏਕੜ तक मुआवजा मिलना, जो कि बहुत गलत दे किसानों का धक्का है। यह भी मंग करदा असीं बहुत जोर दिता सी, इस दे उत्ते रौला पाउंदे रहे हैं, लेकिन सरकार की गल यह सी कि सानू केंद्र नाल टाई अप करना पैना, केंद्र नाल गलबात करनी पैनी है, जिदे चो अखीर यही निकलता है कि सरकार ने कोई पल्ला नहीं फड़ाया, गल गोलमोल की है। तो गोलमोल गल नूं ठीक करना सीधे रस्ते ते लिआउंदा इक्को ही रस्ता हुंदा कि असीं अंदोलन दे राह तुरीए। इस दे नाल सरकार ने एक साडे जिहड़े गन्ना काश्तकार किसान है उन्हां बारे ये गल आई सी कि गन्ने की जिहड़ी पेमेंट है सरकार 325 दिंदी है, मिल 325 दिंदी है, बाकी पैसे जिहड़े 35 रुपये है वह सरकार देवेगी। हुण इत्थे फर्क की है, जेकर परची 325 दी बनदी है तो सरकार आपदे 35 वखरे दिंदी है, तो समझ लो कि वह जिहड़े 35 है वह बोनस के रूप च जाणगे। जे वह कीमत दे विच ऐड हुंदे ते परची पूरी बनदी है तो कीमत दे विच ऐड होंगे। लड़ाई किसानां दी जायज है, वाजब है कि ये पैसे परची दे विच लगन, इन पैसे कीमत दे विच दर्ज होण, जिहड़ी साडी कीमत वधाई गई है इहनू बोनस दे विच जेकर लैणगे तां आउण वाले समें दे विच जिहड़ी साडी लड़ाई है वह फिर कीमत वधाउण वास्ते 360 तों अगे नहीं चलेगी, वह 325 तों चल के 360 वल नूं जाएगी। इस करके किसानां दी लड़ाई वाजब है, पर सरकार ने इहदे ते वी इह कहिता कि असीं मिलां वालिआं नूं सद्दांगे, बहि के मीटिंग करांगे, बहि के गल्लबात करांगे, गल इहदे तों भी पल्ला झाड़न वाली ही नजर आई है। तां इही गल मंग करदी है कि असीं अगे वी अंदोलन की तैयारी करनी पेगी। तो अगली गल है दोस्तो, सरकार ने जिहड़े साडे किसानां ने लिफ्ट पंप लाए हुए ने नहरां तों, देखो किड्डी धक्केशाही है साडे किसानां नाल कि लिफ्ट पंप लग गया, साडे किसानां नूं बिजली भी पंजाब दे किसान नूं फ्री है ते नहरी पानी भी किसान नूं फ्री है, और 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर लोग जिहड़े दूर बैठे सी
जिन्हां नूं किसे पासों नहर दे पानी दी व्यवस्था नहीं हुई हो पाई, हुण किसानां नूं नहर दे राही व्यवस्था करके देना तां सरकार दी जिम्मेवारी है ना। अगर सरकार वो जिम्मेवारी नहीं निभा सकी और उन्हां किसानां नूं आपदा पानी लिफ्ट पंपां राही चक के लिजा के एडियां लंबियां पाइपां पा के लाउणा पै रिहा है, तां किसानां दी मजबूरी है, वह कोई किसानां दा चा नहीं। तां उन्हां किसानां नूं क्यों नहीं बिजली दे पानी फ्री क्यों नहीं जी उन्हां किसानां नूं? तां उन्हां किसानां नूं बिजली दा बिल पैंदा है, बहुत महंगा पानी पै रिहा है। उहदी वी साडी मंग सीगी कि इहनूं वी मतलब वापस लवे सरकार, जो किसानां नूं बिजली दे उत्ते पैसे पैंदे है वह रद्द करे, वह वापस लवे और उन्हां दा वी बिजली फ्री कीती जाए। पर सरकार ने इस नूं इह कहा कि असी जी आपदे अपने विच गल्लबात करांगे, सरकार दे विच बैठ के देखांगे साडे फाइनांस दा की सिस्टम है, तो उहदे मुताबक असी अगे कदम चक्कांगे। पर दोस्तों गल इह वी कोई ना होण वाली है, गल गोल मोल है। अगली गल इह है कि गन्ने की पेमेंट दी भी आ गई। हां, साडी इक मंग सीगी कि जिहड़े साडे किसान शहीद होए ने मोर्चे के दौरान, उत्थे सरकार ने एक गल टका रखी सी कि बच्चों नूं नौकरी देनी है। हुण जिस परिवार दे विच बच्चे की उम्र ज्यादा हो गई है, वह ओवरेज है और वह नौकरी लैण दे काबल नहीं, किसी कारण पढ़िया नहीं, तो उत्थे गल सरकार ब्रेक ला दिंदी सी। तो यह गल साडी मंग सीगी कि पोतरियां नूं भी नौकरी दित्ती जाए, इस गल दे विच पोतरे ते पोतरी भाव तीसरी पीढ़ी नूं भी नौकरी देनी सरकार ने मन ली है। इन्नी मंग सरकार ने प्रवान की, नाल मुकदमियां दी गल सीगी, बहुत वड्डी गल सी, खैर उहदे च सरकार ने मन लिया। डीजीपी नूं कोले सद के सीएम साहब ने बकायदा हदायत की है कि 31 दिसंबर तक पूरा कंप्लीटली किसानां दे परचे, चाहे वह कोरोना कारण होए ने, चाहे वह बिजली अपना पराली साड़न करके होए ने, चाहे वह किसी अंदोलन कारण होए ने, चाहे वह किसी होर भी अंदोलन कारण होए ने, अज तक दे सारे किसानां दे मुकदमे रद्द किए जाण, ये उन्होंने हदायत की है। ये मेरा ख्याल है अपन नूं लग जूगा आने वाले दिनों दे विच रिजल्ट पता कि किन्ने के मुकदमे वापस लैंदी है सरकार, की हुंदा की नहीं हुंदा। सो दोस्तों कुल मिला के हालात ये कहिंदे ने कि सानू अंदोलन लड़े बिना किसी गल का कोई हल नहीं होना, सानू अंदोलन ते टेक रखनी पैनी है और उहदे लई सानू एकजुट होण दी लोड़ है, उहदे लई सानू तैयारियां करन दी लोड़ है और तैयार पर तैयार रहिए। यह गल किसी भी वेले आवाज आ सकती है कि असीं अंदोलन करना है और उस अंदोलन दे राह तुरना पएगा। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।